24 एमएनएस न्यूज आई में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 18 साल बाद एरिक स्मिथ छोड़ेंगे गूगल बोर्ड, 10 साल तक रह चुके हैं सीईओ। गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फा बोट ने बताया है कि एरिक स्मिथ करीब 18 साल बाद इस साल जून में गूगल के निदेशक मंडल से बाहर हो जाएगी। हालांकि अल्फा बोट ने कहा है कि स्मिथ तकनीकी सहायक के तौर पर कंपनी से जुड़े रहेंगे। गौरतलब है कि स्मिथ करीब 10 साल तक गूगल के सीईओ रह चुके हैं। 9 जुलाई से 16 जुलाई के बीच लॉन्च होगा भारत का चंद्रयान। 9 जुलाई से 16 जुलाई के बीच लॉन्च हो सकता है भारत का चंद्रयान मिशन 2। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने बताया है कि चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 9 जुलाई से 16 जुलाई के बीच होगा। बकौल इसको 800 करोड़ की लागत वाला यह अंतरिक्ष यान 6 दिसंबर को चंद्रमा की सतह पर लैंड कर सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 6 बार टल चुका है। शिमला में मिला एक पुराने पेड़ का अवशेष डायनासोर काल के होने का अनुमान। शिमला के खड़ा पत्थर इलाके में एक पुराने पेड़ का अवशेष मिला है। हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय के क्यूरेटर हरीश चौहान ने कहा है कि यह अवशेष मीसोजोइक काल का लग रहा है और इस पर शोध किया जाएगा। गौरतलब है कि मीसोजोइक काल के दौरान ही डायनासोर अस्तित्व में थे। भारत में एंड्राइड से प्रभुत्व से परेशान नहीं, एप्पल के सीईओ टीम कुक ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एंड्राइड के प्रभुत्व पर कहा है, इसे लेकर परेशान नहीं हूँ कि इस समय मुख्यतः एंड्राइड का व्यवसाय है, क्योंकि इसका मतलब वहाँ बहुत अवसर है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुकी एप्पल यहाँ रिटेल स्टोर खोलने के लिए सरकार से मंजूरी लेने पर काम कर रही है। IIT BHU के शोधकर्ताओं का दावा, झींगा मछली से बना स्तन कैंसर की दवा। वाराणसी स्थित IIT BHU के शोधकर्ताओं ने झींगा व केकड़ा प्रजाति की मछली से स्तन कैंसर की दवा बनाने का दावा किया है। बतौर जानकारी के अनुसार यह दावा झींगा व केकड़े की प्रजाति वाली मछलियों से मिलने वाले प्राकृतिक पॉलीमर से बनाई गई, जो कैंसर से प्रभावित कोशिका को दुरुस्त कर उसके फैलाव को कम कर देते हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।